फिर से एक बार आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की। आज हम आप लोगों के बीच में, हम किस तरफ हैं, क्षमा देने का तरफ या दंडित करने का तरफ, यही शीर्षक लेके आए हैं। आइए मेरे साथ खोलें योना रचित सुसमाचार 8:1-11 तक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवाह करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसने तुझ पर दंड की आज्ञा न दे? उसने कहा, हे प्रभु, किसने नहीं? इसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आशीष दें। यहाँ हम लोग पाते हैं यीशु पहाड़ पर जाते हैं और दूसरा दिन भोर को ही वह मंदिर में आते हैं। मंदिर में जहाँ लोग एक गैदरिंग होते थे, आराधना करते थे, उपासना करते थे और शिक्षा को सुनते थे, उस जगह में आते हैं। दो पद बोलता कि मंदिर में शिक्षा देते हैं यीशु, लोग यीशु के पीछे आते हैं और यीशु उन लोगों को शिक्षा देने लगते हैं। मेरे प्रियो, यीशु का मुख्य मिनिस्ट्री यही था, शिक्षा देना और रोगी बीमारियों को चंगा करना, आवश्यकता लोगों को बताना। और 8 अध्याय यदि हम लोग पूरा योना की पुस्तक पढ़ेंगे तो अच्छा है, 8 अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु अपने आप को जगत की ज्योति बोल के प्रकट किया हुआ बात भी हम लोग पाते हैं। लेकिन उससे आगे दो पद में यहाँ बोलता, भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, तीसरा पद फिर यहाँ कहता है कि तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, व्यभिचारी स्त्री को लाना ताकि यीशु को गलती को पकड़ा पाए, यीशु का गलती को जान सके, क्योंकि ये लोग यीशु से डरते थे और जलते भी थे, तब ना यीशु का विरोध में खड़े हुए थे ताकि यीशु को परीक्षा में डाल सके और पकड़वाए जाए। इन लोगों का यही था मुख्य उद्देश्य। लेकिन ये लोगों का हृदय का बात जानने वाला यीशु झुकते हैं और कुछ लिखते हैं और कहते हैं नीचे, आपको मालूम है क्या कहते हैं, ऐसा उत्तर देते हैं जो उत्तर सुनते हुए लोग वहां से चल जाते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ सदुके और फरीसियों का बातों का हम लोग जानते हैं, उन लोग क्यों यीशु को यह पकड़ाना चाहते थे, क्यों गलती दिखवाने चाहते थे। मेरा सवाल है, हमें सदुके और फरीसी कौन है वह जानना होगा। मेरे प्रियो, हो सके आप पर मेरा मंडली में, हो सके आप पर मेरे समझ, हो सके आप पर मेरे जीवन में भी सदुके और फरीसी लोग बास करते होंगे, रहते होंगे। आज हम नामदारी मसीह और धर्म के ठेकेदार लोग इस स्थान में खड़े रहे हुए पाते हैं। मेरे प्रियो, उस समय सदुके और फरीसी लोग थे, लेकिन अभी नामधारी मसीह लोग, हम सीधा बोलते हैं नामधारी मसीह लोग जो क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और बस
कोई पर्व विशेष में गिरजा जाना है वाले लोग। नाम में वो लोग मसीह हैं लेकिन यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मसीह मसीहत को वो लोग नहीं जानते हैं। ये लोग शास्त्री में या फरीसी में खड़े हैं। और दूसरा, धर्म का ठेकेदार आप समझते हैं, धर्म का ठेकेदार लोग भी यही जगह में ये लोग खड़े हैं। जैसे उस समय शास्त्री और फरीसी लोगों ने प्रभु यीशु को परीक्षा करने के लिए आए थे, वैसे मेरे प्रियो आज यही धर्म के ठेकेदारी और नामधारी लोग आप और मेरा परीक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं या क्या हम लोग का चाल चलन कैसा है, मेरे प्रियो हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग ज्योति के संतान हैं। तब तो अंधकार का कामों को हमको छोड़ना होगा। हमारा जीवन में सदुकी और फरीसी लोगों को अंगूठा उठाने का मौका देना नहीं होगा। आप और मेरे ऊपर में मेरे प्रियो सुने तो पांचवा पद में क्या बोलता, यहाँ पांचवा पद में बताता है कि पांच पद बोलता, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे ऐसे स्त्रियों पर पथरवाह करें, अतः तो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। व्यवस्था तो मार डालने के लिए कहता है, व्यवस्था तो खत्म करने के लिए कहता है, दंडित करने के लिए कहता है, लेकिन तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कहता है। हे गुरु बोलते हुए ये लोग आते हैं जानने के लिए नहीं, लेकिन गलती पकड़वाने के लिए। मेरे प्रियो हम लोगों को जानना होगा। छठा पद में देखिए ना क्या बोलता, छठा पद में हम बोल चुके हैं, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय हम बोल चुके हैं ताकि यीशु को परीक्षा में डाल सके, ये लोग यही चाह रहे थे। लेकिन हृदय का बात हम बोल चुके हैं, हृदय का बात जाने वाला यीशु ने उन लोगों को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? जो निष्पाप हो वही पत्थर मारे। मेरे प्रिय जब आप और हम लोगों का सवालों को उत्तर देते हैं ना, सोच समझ के देना है। पवित्र आत्मा आप और मुझे अगुवाई करता है क्या उत्तर देना और कैसे देना, लेकिन हमें सोच समझ कर बोलना होगा। हम बोल चुके हैं ये शास्त्र फरीसी जो अभी का जमाना में, अभी का समय नामधारी और धर्म के ठेकेदार वाले लोग ही आप और मुझे यह फंदा में फंसाते हैं। हम और धर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम लोग अपना ईसाई धर्म का ही बारे में आपको बता रहे हैं। हम लोग के बारे में भी बहुत सारे लोग डिमिनेशन को आगे बढ़ाते हुए लोग कहते हैं, पूछते हैं तू कौन धर्म का, कौन संस्था का इत्यादि। लेकिन आप और हम यीशु को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। यीशु आप पर मेरा उद्धार करता, मुक्तिदाता है। पापियों के लिए लहू बहाने वाला कोई मंडली, कोई फादर, कोई पाठ कोई नहीं थे, लेकिन उस समय तो प्रभु यीशु ने पापियों के लिए लहू बहाया था। मेरे प्रियो यीशु कोई धर्म विशेष लोगों के लिए आए नहीं थे, लेकिन यीशु तो एक पापी को बचाने के लिए आए थे। वही यीशु कोई शास्त्र फरीसी के लिए नहीं, कोई नामधारी और धर्म के ठेकेदारों के लिए नहीं, कोई पास्टर या प्रचारकों के लिए नहीं, कोई गिरजा और कोई और संस्थाओं के लिए नहीं, लेकिन यीशु आए थे तो एक पापियों के लिए। जब एक पापी अपने आप को स्वीकारता कि मैं एक पापी हूँ, प्रभु मेरा हृदय में आप आए और वास करें, मेरा पापी हृदय को तो आप अपना लहू से धुलाएं और मुझे शुद्ध करें, यदि वो ऐसा बोलता तब तो उसका हृदय शुद्ध होता, तब तो उसका पाप को प्रभु क्षमा करता है। मेरे प्रियो इसलिए तो हमने बोले हम किस तरफ हैं, यदि क्षमा देने का तरफ है तो क्षमा पा लेंगे, लेकिन दंडित करने का तरफ में तो दंडित हो जाएंगे। इसलिए आप और मेरे हृदय में क्षमा देने वाला प्रभु वास करते हैं तो क्षमा देने का तरफ में। इसलिए तो यहाँ सात और आठ पद फिर कहता है, हम पढ़ रहे हैं सुनिएगा, सात और आठ पद में ऐसा बोलता, जब ये उसको पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लेखने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु का सटीक उत्तर को देखिए, यीशु कहते हैं कि जो निष्पाप हो वही पहले पत्थर मारे। हमें ऐसा ही उत्तर देना होगा जो उन लोगों का समझ में आ सके। दस पद फिर यहां कहता है, यीशु ने सीधे होकर उनको कहा, हे नारी वे कहां गए? यीशु सवाल कर रहे हैं, क्या किसने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी?
मेरे प्रियो, यीशु सब कुछ जानते हुए इस स्त्री को फिर पूछ रहे हैं कि ये लोग कहाँ गए, अभी मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूँ, जा और फिर पाप ना कर। हालेलुया, हमारा प्रभु क्षमा देने वाला प्रभु है, पाप को क्षमा करने वाला यीशु आज वो स्त्री को कह रहे हैं कि जा अब से पाप ना कर, मैं भी तुझे क्षमा नहीं देता हूँ, मैं सदैव तेरा साथ हूँ। हालेलुया, मेरे प्रियो हम बोल चुके हैं ना, एक मसीह व्यक्ति बनकर हम लोग प्रभु के सामु खड़े रहेंगे तो हम लोग का पाप क्षमा नहीं होगा, लेकिन एक पापी बोल के प्रभु के सामु क्षमा खड़े रहेंगे तो प्रभु आप पर मेरा पाप क्षमा करता है, आप पर मेरा हृदय को शांति देता है। एक मसीह व्यक्ति बोल के मंडली में हम लोग जाते हैं तो हम लोग के हृदय में उतना शांति अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप पर हम एक पापी के रूप में मंडली में जाते हैं प्रभु वह पाप उनको धुलाता है, क्योंकि रोमियो का पुस्तक 5:20 में ऐसा कहता है, 5:20 में हम पढ़ रहे हैं, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया, व्यवस्था में तो अपराध होता, हम पहले बोल चुके हैं ना, व्यवस्था कहता है दंडित करना, अपराध वृद्धि हुआ, दंडित करने वाला नियम वृद्धि हुआ, पाप ज्यादा होने लगा, दिखाई देने लगा, लेकिन 21 कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए करे। हालेलुया, मेरे प्रियो जब पाप बढ़ गया तब तो अनुग्रह भी, वहाँ प्रभु का अनुग्रह भी बढ़ा हुआ हम लोग पाते हैं। इसलिए आज हम आप सबों को यह उत्साहित करने चाहता हूँ कि प्रभु यीशु शास्त्र फरीसियों के लिए ही नहीं, धर्म के ठेकेदार और नामधारियों के लिए ही नहीं, लेकिन आप और मैं हरेक पापियों के लिए कलवर का कुछ मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। व्यवस्था कहता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन है, रोमी का पुस्तक प्रश्न बताता है। मेरे प्रियो इसलिए हमने सवाल से ही शुरू किए थे, हम किस तरफ हैं, क्षमा देने तरफ तो क्षमा पाएंगे, दंडित करने तरफ तो दंड पाएंगे, हम तो क्षमा देने का तरफ हैं। मेरे प्रियो आपको हम यही बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूँ कि आज ही हम लोग पहचाने क्या कैसा जीवन जी रहे हैं, आज हम लोग प्रभु के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारें और प्रभु आप पर मेरे जीवन को बचाए, अनुग्रह करे और महिमा में ले। सारा बातों में धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, सारा आदर भक्ति महिमा प्रभु को देना चाहिए, हम भी प्रभु को ही देते हैं। सबों को जय मसीह, प्रभु आशीष करें, आमेन।